डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में मंगलवार को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता में सेमीफाइनल मैच में क्वालिफाई करने वाली टीमों के बीच फाइनल मैच खेलने के लिए दो मैच खेले गए। पहला मैच खोराबार ईएफसी बनाम एफसीआई क्लब चरगावा के बीच खेला गया, जिसमें खोराबार एफसी ने 1-0 से मैच जीतकर फाइनल में जगह पक्का किया, तो दूसरा मैच सेंट जोसेफ एफसी बनाम पूर्वांचल एफसी के बीच खेला गया। पूर्वांचल एफसी ने यह मैच 1 से जीतकर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही। बुधवार को खोराबार एफसी और पूर्वांचल एफसी के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व प्रदेश महामंत्री कामेश्वर सिंह, राकेश सिंह पहलवान, अभिषेक सिंह बिट्टू, सुरेंद्र मसीह, कृष्ण प्रताप श्रीवास्तव सहित अन्य खेल प्रेमी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा नेता राकेश सिंह पहलवान ने बताया, बारों पड़ता है यार। चार ग्रुप में टीमों को ले है, इसका आजाई के खिलाफ हो चुका है। इस तरह 0 के मुकाबले 1 से खोराबार एफसी की टीम आगे चल रही है। ये 6 से चल रहा है और कल इसका फाइनल है। आज हमारा ये दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है और इसमें से जो टीमें जीतेंगी ये कल फाइनल खेलेंगे। कितनी टीमों ने भाग लिया था? टीमों ने रजिस्ट्रेशन तो कम से कम 30 से अधिक करा दिया था, लेकिन उनको रोक दिया गया। कमेटी निर्णय लिया, चूँकि कोरोना ने कोरोना का वो था और इस नाते उसको थोड़ी टीमों को 60 भी करना था और लीग आउट नीच सिस्टम से करना था, एक एक टीम को दो दो बार खेलना पड़ता है, तो इसमें हमारे ये कुल 16 टीमों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया गया और 16 टीमों ने भाग लिया और लीग आउट के आधार पर बहुत ही अच्छा रोमांचक मैच देखने को मिल रहा है और यहाँ के लोगों के अंदर भी एक अच्छा उत्साह है, खिलाड़ियों के अंदर उत्साह है। वरिष्ठ खिलाड़ी जो घरों पर बैठ गए थे इनको भी बुला करके डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन इनको सम्मान कर रही है, इनका क्योंकि ये वरिष्ठ लोग ही इसके वो हैं, संरक्षक हैं। ये जब आएंगे अनका फील्ड में आना जाना शुरू होगा तो नए नए लड़कों को ये अपना कुछ हुनर सिखाएंगे, कुछ टिप देंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। फाइनल में प्राइज मनी क्या रखी है? ये प्राइज मनी नहीं, इसमें तो ये चूँकि मान्यता प्राप्त हुआ है तो इसमें वैसे ही जो टीमें हारेंगी जीतेंगी उनको सबको शील्ड व कप दिया जाएगा व इनके साथ साथ कुछ और भी इनाम डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से दिया जाएगा। सभी खिलाड़ियों को इसमें प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ये आवश्यक है।